1 नवंबर 2022 को पुलिस लाइन मिर्जापुर स्थित सभागार कक्ष में मंडलायुक्त विंध्याचल मंडल योगेश्वर राम मिश्र, पुलिस उप महानिरीक्षक विंध्याचल परिक्षेत्र आरपी सिंह द्वारा जिलाधिकारी दिव्या मित्तल, पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्र के साथ यातायात माह नवंबर 2022 का शुभारंभ किया गया। सर्वप्रथम पुलिस अधीक्षक द्वारा मंडलायुक्त विंध्याचल मंडल व पुलिस उप महानिरीक्षक विंध्याचल परिक्षेत्र को पुष्प गुच्छ प्रदान किया गया। अन्य उपस्थित अधिकारी द्वारा आपस में एक दूसरे को पुष्प गुच्छ देकर कार्यक्रम का आगाज हुआ। तत्पश्चात दीप प्रज्वलित किया गया। यातायात जागरूकता संबंध में स्कूली छात्र छात्राओं एनसीसी कैडेट को यातायात नियमों की जानकारी देते हुए जागरूक किया गया। यातायात संबंधी नियमों के पालन करने के प्रति जागरूक कर नियमों को पालन करने हेतु सभी को निर्देशित किया गया। वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने व सीट बेल्ट लगाने की हिदायत दी गई। ये भी बताया गया कि यातायात नियमों का पालन करके ही वाहन दुर्घटना में कमी लाई जा सकती है। जन जागरण को प्रभावी बनाए जाने हेतु यातायात जागरूकता चेतना रथ व स्कूली छात्र छात्राओं एनसीसी कैडेट द्वारा यातायात जागरूकता रैली को पुलिस लाइन से मंडलायुक्त व पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक के साथ हरी झंडी दिखाकर पीएसी बैंड व पार्टी व आरक्षी गन सहित पर्याप्त संख्या में पुलिस बल के साथ रवाना किया गया। यातायात जागरूकता रैली के दौरान पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर द्वारा अन्य अधिकारीगण के साथ पब्लिक वाहन ऑटो ई रिक्शा पर परिवहन कर अधिक से अधिक पब्लिक वाहनों का प्रयोग करने हेतु आमजन में संदेश दिया गया। ऑटो ई रिक्शा यूनियन व ऑटो ई रिक्शा चालकों को जागरूक किया गया। ऑटो ई रिक्शा वाहनों में मानक के अनुसार ही लोगों का परिवहन किया जाए, जिससे सड़क दुर्घटनाओं से बचा जा सके। यातायात माह नवंबर 2022 के दौरान जनपद के विभिन्न स्कूल कॉलेजों में यातायात पुलिस स्वयं सेवी समूह के सहयोग से नुक्कड़ नाटक, पेंटिंग, निबंध लेखन एवं अन्य आयोजनों के जरिए से जागरूक किया जाएगा। इसके अतिरिक्त यातायात जागरूकता चेतना रथ द्वारा जनपद में भ्रमण कर आमजन को यातायात के नियमों को पालन करने के लिए जागरूक किया जाएगा। इस कार्यक्रम के मौके पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अपर जिलाधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक व नगर ऑपरेशन क्षेत्राधिकारी नगर, क्षेत्राधिकारी यातायात, क्षेत्राधिकारी लालगंज आरटीओ, प्रभारी प्रतिस्थान निरीक्षक, यातायात प्रभारी सहित विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राएं, शिक्षक व पुलिस कर्मचारी मौजूद रहे। पुलिस लाइन मिर्जापुर में ट्रैफिक माह नवम्बर माह इस कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया। इसमें हमारे आदरणीय कमिश्नर साहब, डीआई साहब, डीएम साहब, अन्य प्रशासन एवं पुलिस के जो साथीगण थे वो मौजूद रहे, और साथ ही साथ हमारे जो बच्चे हैं विभिन्न स्कूलों के वो यहाँ पे मौजूद रहे। यहाँ पे हमारे जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं उन्होंने संबोधन करके जो बच्चे थे, जो पब्लिक थी, उनको जागरूक किया जो भी यातायात के नियम हैं। और आने वाला जो एक महीना है उसमें अलग अलग दिनों में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन सबका मकसद रहेगा कि जो यातायात के नियम हैं, सड़क सुरक्षा से जीवन रक्षा, इसका अनुपालन किया जाए। इसमें सीट बेल्ट हो, तीन सवारी न चलना हो, हेलमेट पहनना हो, एवं साथ ही साथ सड़कों पे जो चीज़ चेक करानी हो, ब्रेकर्स कहीं की कोई दिक्कत है उसको चेक करवाना, ये सभी बिंदुओं पे 360 डिग्री एनालिसिस यहाँ पे प्रशासन एवं पुलिस के द्वारा किया जाएगा। और ये इंश्योर किया जाएगा कि जो एक्सीडेंट्स होते हैं सड़कों पे वो जीरो तक हो जाए। हमारी कोशिश तो यही रहेगी, मिनिमाइज किया जाए, जीरो तक लाया जाए। एवं ये तभी हो पाएगा जब सभी लोगों का, आपके माध्यम से हमारे जितने भी पब्लिक है मिर्जापुर की या यहाँ पे सड़कों पे आवागमन करने वाले जो लोग हैं, सबका सहयोग मिले, सभी लोग यातायात के नियमों का पालन करें, और हम सभी लोग कटिबद्ध होकर ये शपथ लें कि सभी जो चाहे हेलमेट हो, सीट बेल्ट हो, या यातायात के जो नियम हैं उनका अनुपालन करेंगे। और इसी के उपलक्ष्य में आज यहाँ पे एक जागरूकता रैली जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं, एनसीसी के कैडेट्स हैं, उनके द्वारा भी यहाँ पे निकाली गई है। और आप सभी के सहयोग से, पब्लिक के सहयोग से, मुझे उम्मीद है कि ये यातायात माह है जो नवंबर माह, इसको सफल बनाया जाएगा और यातायात के नियमों का अनुपालन कराते हुए जो एक्सीडेंट्स हैं इनको मिनिमाइज करवाया जाएगा।